दोस्तों अगर इसकी सिर्फ खुशबू की बात करें तो इसकी खुशबू सच में ऐसी है कि ये आपको बिल्कुल आग में चला गया। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करने वाले हैं क्रीट एवेंटस की सबसे बेस्ट क्लोन्स की। क्लोन्स या अल्टरनेटिव्स का मतलब है वो वाले परफ्यूम्स जो आपको लगभग सेम खुशबू देंगे पर उनका प्राइस ओरिजिनल से काफी ज्यादा कम होगा। क्रीट एवेंटस की बात करें तो दोस्तों ये दुनिया के सबसे ज्यादा लग्जरियस परफ्यूम्स में से एक है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम्स में सबसे महंगा भी है। 30-35 हज़ार के बजट का ये परफ्यूम नीच परफ्यूम्स की कैटेगरी में नंबर वन है और इसी वजह से क्रीट एवेंटस और क्रीट के बाकी परफ्यूम्स को आप बड़े सेलिब्रिटीज के पास ही देखते हो। पर दोस्तों क्योंकि खुशबू पर पेटेंट नहीं होता है, आप बॉटल डिजाइन पर पेटेंट करा सकते हो, नाम पर पेटेंट करा सकते हो पर खुशबू के ऊपर पेटेंट नहीं करा सकते, और इसी बात का फायदा सारी कंपनीज उठाती हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको महंगे लग्जरियस परफ्यूम्स की खुशबू को कम प्राइस में ऑफर करती हैं, और इवन ऐसा भी होता है कि बड़ी कंपनीज भी एक दूसरे से सिमिलर स्मेल वाले परफ्यूम्स को लॉन्च करती रहती है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही क्रीट एवेंटस के सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स की। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मैं इस लिस्ट में दिखाऊंगा। इसमें पहला है जिसके बारे में आपको पता होगा, जो है अर्म ऑफ क्लब डिनी इंटेंस मैन। इसका ये है ईडीटी वर्जन, फिर है ये ईडीपी वर्जन, और एक है ये प्योर परफ्यूम वर्जन। ओ एक और भी है जो है पफा लिमिटेड एडिशन। इसके अलावा रसासी का पूर लुई ज़ेब्रा है यहाँ पर, लताफा का अल्दूरल मकरून सिल्वर, पेंडोरो सेंट्स का एवेंचुरा, मोनब्लोंग एक्सप्लोरर, अफलान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, और अर्म ऑफ क्लब डिनी इंटेंस मैन का भी यहाँ पे क्लोन है जो है द ऑफिशियल क्लब इंटेंस, ये अलाम्ब्रा का। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा रहेगा इनमें सबसे बेस्ट एवेंटस क्लोन। सबसे पहले क्रीट के लेटेस्ट बैच की खुशबू की बात करें तो दोस्तों ये एक फ्रूटी वुडी स्मोकी परफ्यूम है। मेरे इस बैच की कैप ये प्योर मेटेलिक है और काफी भारी है, और इसका स्प्रेयर भी काफी वाइड ही है। क्रीट एवेंटस दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से भी एक है, जिसे आप दुनिया के लगभग हर ओकेजन और हर सीजन में लगा सकते हो, चाहे ऑफिस हो, डेट्स हो, पार्टीज हो, आपने जींस टी शर्ट पहन रखी हो या थ्री पीस सूट, क्रीट एवेंटस की खुशबू आप पर हमेशा अच्छी लगेगी। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये आज भी एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है और इसका प्रोजेक्शन एनसीआज भी काफी अच्छा है, पर क्योंकि एवेंटस के केस में हमेशा से ऐसा होता है कि आपको ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता है और 5-10 मिनट बाद इसकी खुशबू आनी एकदम बंद हो जाती है, तो इस वजह से खुद को तो इसकी पावर का अंदाजा नहीं लग पाता, पर जब भी हम इसे लगाने के बाद किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसे इसकी खुशबू जरूर आती है। पर ये बात तो सच है कि अपने इनिशियल बैचेस जितना आज परफॉर्म नहीं करता, बट स्टिल आज भी एक दमदार परफॉर्मर है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाता है, और जो इसकी रिफाइंड फील और इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है वो आपको कभी भी किसी क्लोन में नहीं मिल सकती। एक और चीज दोस्तों कि हम यहाँ पे क्लोन्स की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो ऐसे परफ्यूम्स और भी हैं जो क्रीट एवेंटस जैसी सी वाइब आपको देते हैं, जैसे मानसारा का सिदर दुआजे है या निशाने का हचीवत है, पर क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट लगते हैं इस वजह से इस लिस्ट के अंदर हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हालांकि नीच परफ्यूम्स की दुनिया में ये दोनों राजा ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रीट एवेंटस की स्मेल से सबसे ज्यादा क्लोज खुशबू कौन देता है, तो उसमें सबसे नीचे है एवेंचुरा। यहाँ ब्लेंड में और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, इसका लगभग 2000 का बजट रहेगा। फिर लताफा के अल्दूरल मकनू सिल्वर को रखा जा सकता है, हालांकि इस लिस्ट के सबसे सस्ते 1500 के बजट के आसपास का ये परफ्यूम फिर भी थोड़ा सा ठीक लग सकता है। यहाँ पे खुशबू के क्लोज होने के मामले में अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसकी खुशबू थोड़ी सी अलग लगती है और ज्यादा फ्रूटी लगती है, हालांकि अपने आप में ये बहुत अच्छी क्वालिटी का अट्रैक्टिव ब्लेंड ही है। पर अगर हम इससे और ज्यादा क्लोज बढ़े तो अलाम्ब्रा का ऑफिशियल क्लब इंटेंस आपको एवेंटस की ज्यादा याद दिलाएगा, और पोर्ट लुई ज़ेब्रा के अंदर आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा। फिर रहेगा अर्म ऑफ का सीटिनिम ईडीटी, जिसकी ओपनिंग आपको थोड़ी सी हार्श लग सकती है, पर थोड़ी देर के बाद ये आपको एकदम एवेंटस वाली फील ही देगा। और वैसे तो आपको सीटिनिम के किसी भी वेरिएंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल सकता, पर फिर भी अगर थोड़े मोड़े को कंसीडर करें तो ईडीपी और प्योर पफा आपको थोड़े से और रिफाइंड लगेंगे, इनकी ओपनिंग भी अच्छी लगेगी, पर लिमिटेड एडिशन पफा यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा फील होगा। पर दोस्तों सीटिनिम भी खुशबू के मामले में क्रीट एवेंटस के सबसे ज्यादा क्लोज नहीं है, तो जो क्रीट एवेंटस का सबसे ज्यादा क्लोज खुशबू वाला क्लोन है वो है मोनब्लो एक्सप्लोरर, और अगर इसके सिर्फ खुशबू के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको बिल्कुल एवेंटस वाली फील देगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, इनमें से कौन सा ऐसा परफ्यूम है जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है, यानी जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग में रहेगा और जिसका प्रोजेक्शन एनसीआज इतना अच्छा होगा कि वो आपकी स्किन से दूर तक जाकर लोगों की नाक में घुसेगा भी और उनको आपको कॉम्प्लीमेंट देने पर मजबूर भी करेगा। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस में सबसे कम में देखा जाए तो यहाँ पे आपको अल्दूरल मकरून सिल्वर भी सबसे कम परफॉर्मिंग मिलेगा, एवेंचुरा द ऑफिशियल क्लब इंटेंस में भी कोई बहुत ज्यादा दम नहीं मिलेगा, और अफसोस मोनब्लोंग एक्सप्लोरर में भी आपको मजा नहीं आएगा। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, बट आपको वो प्रोजेक्शन एनसीआज नहीं मिलेगा जो आपको आने वाले परफ्यूम से मिलने वाला है। तो अब अगर उन अच्छे परफॉर्मर्स की बात करी जाए जो अच्छे खासे लॉन्ग लास्टिंग रहकर आपको जबरदस्त प्रोजेक्शन एनसीआज भी देंगे, तो उनमें हमें शामिल करना होगा रसासी पोर लुई ज़ेब्रा को, ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है। फिर अगर हम सीटिनिम की सीरीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, पर फिर भी अगर मुझे बताना हो तो सबसे पहले ईडीटी, फिर ईडीपी, और फिर ये प्योर पफा और पफा लिमिटेड एडिशन, ये दोनों आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। पर परफॉर्मेंस में सीटिनिम लिमिटेड एडिशन भी नंबर वन नहीं है, हालांकि सीटिनिम के सारे वेरिएंट्स और जो नंबर वन है ये बीस्ट मोड परफ्यूम ही है, पर फिर भी जहां सीटिनिम
के अंदर आपको ओल्फैक्टरी फटीग की वजह से ज्यादा खुशबू नहीं आ पाती। वही जो ये नंबर वन परफ्यूम है, इसमें लोगों को तो आपके जबरदस्त बीस्ट वर्ड परफ्यूम का एहसास होगा ही, साथ ही आपको भी इसकी सेंट की विफ लगातार आती रहेंगी। और यह है अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। सीडीनिम की तरह ही दोस्तों ये कई दिन तक कपड़ों पे आपको महसूस हो सकता है, और प्रोजेक्शन एंड सियाज इतना जबरदस्त कि आप जहां जाओगे वहां पे लोगों को महका दोगे। तो दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से कौन सा इनमें ऐसा रहेगा जो आपके लिए एक अच्छी डील रहेगी, जिसमें आपको सबसे कम पैसे खर्च करके सबसे ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे नीचे रहने वालों में पहले है अल्दुरुल मकरून सिल्वर। चाहे 1500 के बजट वाला परफ्यूम ही क्यों ना हो, पर फिर भी यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स का थोड़ा अभाव ही रहता है। फिर सिमिलर सस्ते बजट वाला ही ये एवेंचुरा है, और फिर क्योंकि ये डिजाइनर बजट वाला परफ्यूम 5000 की रेंज से कम नहीं होता और परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए ये भी नीचे ही स्पॉट पे रहेगा। द ऑफिशियल क्लब इंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा बीच में झूलता रहा, इसमें कभी हाँ कभी ना होती रही, तो इसको एक बार टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद रसासीपुर लिजिब्रा, जिसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और क्योंकि ये सिर्फ 50 ml आता है और 3000 के बजट में आता है, इस वजह से थोड़ा महंगा भी पड़ता है और इसी वजह से नीचे स्पॉट पे भी रहा। दोस्तों ऐसे ही इसके बाद ये महंगे वाला है सीडीनिम लिमिटेड एडिशन परफॉर्म। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है, पर इसका बजट 7000 तक पहुंच सकता है। तो ये भी ऐसा हो सकता है कि यार एक बार इसको लेने से पहले आप थोड़े झिझके। पर अगर दोस्तों आपको सीडीनिम ईडी भी मिल जाता है तो ये 200 ml अगर 5500 रुपए के आसपास मिलता है तो ये एक अच्छी डील होती है। पर इसके केस में थोड़ा मार्केट में ये रहता है कि ये कभी आता है या चला जाता है। फिर रहेगा दोस्तों सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। 5000 रुपए के बजट में 100 ml जो ये आता है ये थोड़ा महंगा तो पड़ता है, पर फिर भी जो इसके पैसे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, और इसे लगाने पर ऐसा महसूस होता है कि आपने कोई बहुत महंगी चीज लगाई हुई है। प्रेजेंटेशन से लेकर परफॉर्मेंस तक ये कभी निराश नहीं करता। तो दोस्तों अब आपको ऐसा लग सकता है कि सीडीनिम का जो ईडीटी वेरियंट है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे ज्यादा पैसा वसूल है। नहीं, ये सबसे ज्यादा पैसा वसूल नहीं है, ये अब लगभग 3500 की रेंज का हो गया है और अब ये महंगा ही पड़ता है। पर एक परफ्यूम ऐसा है यार जो आपको आसानी से मिल भी जाएगा, आपको अच्छी खासी उसके अंदर क्वांटिटी भी मिलेगी, और खुशबू और परफॉर्मेंस से तो कोई समझौता ही नहीं, और वो जबरदस्त परफ्यूम है अर्मोफ क्लब डिने इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म 150 ml। ये 4500 रुपए की रेंज का परफ्यूम है और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 150 ml आता है, तो अगर पर ml कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये EDT के बराबर का ही पड़ता है। पर ये EDT नहीं है, ये प्योर परफॉर्म कंसंट्रेशन में है, यानी इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल और ज्यादा है, इसी वजह से ये और ज्यादा बीस्टली प्रोजेक्ट भी होता है और तगड़ा लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। तो दोस्तों अगर आपको 4500 की रेंज में 150 ml सबसे ज्यादा क्लोज खुशबू वाला एवेंटस का क्लोन चाहिए तो वो रहेगा सीडीनिम प्योर परफॉर्म 150 ml। और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाकर क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करके हल्का सा अलग पर एक और जबरदस्त बीस्ट वर्ड परफ्यूम चाहते हैं तो वो रहेगा सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हम जल्दी मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में। आप प्लीज तब तक के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर, बाय। पर ये बात तो सच, अरे अरे हेलो कहां घूम रहे हो तुम।